नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और अजीब सी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान को भेज दी है। और अब आप सभी कहेंगे कि पाकिस्तान तो हमारा एक कट्टर दुश्मन देश है और भारत अपने परमाणु हथियारों और परमाणु ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान को क्यों भेज रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी भारत के साथ साझा की है और ये दोनों ही देश पिछले 30 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ प्रति वर्ष साल के अंत में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और इस वर्ष 31 दिसंबर 2021 को भी कुछ इसी प्रकार का माहौल हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी भारत सरकार के साथ शेयर करी। तो दोस्तों, दरअसल ये जो पूरा मामला है वो परमाणु हमलों के खतरे से बचने के लिए भारत और पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है और दोस्तों, ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है और अपने संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ही दूरियां क्यों ना बढ़ जाएं, भारत या फिर पाकिस्तान दोनों ही देश के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि परमाणु बम के विस्फोट से भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है और इससे भारत और पाकिस्तान दुनिया से दशकों साल पीछे जा सकते हैं और भारत की आम जनता, इसके साथ ही पाकिस्तान की आम जनता को बहुत ही ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए 31 दिसंबर 1988 को भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा समझौता होता है कि प्रति वर्ष दोनों ही देश अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जिससे यदि दोनों ही देश के बीच में कभी भविष्य में युद्ध होता है तो दोनों ही देश एक दूसरे देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर कभी भी हमला नहीं करेंगे और इससे भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की आम जनता को परमाणु हमले के खतरे से आसानी से बचाया जा सकता है। परंतु दोस्तों, इस मैटर पर मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन को भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी देना सही रहेगा, जो भारत को पिछले कई सालों में कई बार धोखा दिलाया है और अभी भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के ही आतंकी अशांति फैला रहे हैं। तो इस टॉपिक पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फिर राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।